आपका क्या पद है? आपका नाम सतीश कुमार जीडाना, सचिव प्रधान सीवन। हमारा कुछ टाइम बाद 8वें महीने में हमारे जो एस डी ओ साहिबान हैं, इनके गलत रवैये से हमारे दो जो साथी हैं सुरेश लाइनमैन और महेंद्र लाइनमैन, इनके ऑर्डर जबरदस्ती से उठाकर कंप्लेंट सेंटर सीवन पे कर दिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने अपनी पावर गलत यूज करके दिखा के साथियों के ऑर्डर जो किए हैं वो बिल्कुल निराधार गलत तरीके से किए हैं। जो भाईचारा उनका विरोध करता है पुरजोर, और जब हम उनसे मिलने पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भी आप हमें बताइए एस डी ओ साहब, ये जो हमारे साथियों के ऑर्डर किए हैं आपने किस बिहेव पे किए हैं, इनकी कोई गलती हो, कोई कार्य में कोई दिक्कत आई हो बताइए। तो उनके पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, और उसके बाद हमने किया फिर आप इनके ऑर्डर हैं जो वापस कर दीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि एक महीने के बाद आप दोनों साथियों के ऑर्डर हम वापस जहाँ से उठाए वहाँ कर देंगे। तो एक महीने की बजाय आज 3 महीने निकल गए हैं इन बातों को, लेकिन एक्शन साहब और एक्टिव साहब ने इनके कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी, कोई इनके बारे में कदम नहीं उठाया। साथियों ने आज मजबूर हो गए कदम उठा के गेट मीटिंग करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने अड़ियल रवैया अपने बना के अपनी सर सीवन में आपके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और एक्शन साहब के पास क्या है बुरा मामला? सर मामला ये हमारे पास ना सीवन में शिफ्ट में एम्प्लाई जो है ना वो कंप्लेंट वगैरह करते हैं, जैसे 3 शिफ्ट हैं तो उसमें क्या था, जो 10 से 6 रात को शिफ्ट थी ना गर्मियों में, तो कंप्लेंटें काफ़ी थी, तो खाली थी वो सीट, तो उसमें हमने 2 एम्प्लाई लगवा दिए। जो 2 एम्प्लाई लगाई है यूनियन बैठे सारा का सारा उसको लगा दिया, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया यूनियन की वजह से। तो जैसे भी तैसे उनको थोड़ा धमकाया वगैरह वो आ गए अपने उस पर। उसके बाद फिर दोबारा यूनियन मैटर बना, यूनियन ने फिर बाई फोर्स ना मतलब इलेक्शन साहब को प्रभावित करके उनके ऑर्डर बार करवा लिए फील्ड में, अब वो खाली हो गई वहाँ पे सीट है। अब पब्लिक तो सर्विस करनी है हमने, रात को अगर ब्रेकडाउन होती है गर्मियों में तो दिक्कत आती है सबको। तो हमारे पास GSC होता है, एक ब्रांच है जिसमें हम कनेक्शन वगैरह नए रिलीज करते हैं ना, या मीटर वगैरह बदलते हैं जो डेड वगैरह होते हैं बंट होते हैं, तो उसको हमने ख़त्म करके GSC में जो एम्प्लाई थे उनको हमने लगा दिया सेंटर पर 2 से 10 से 6 वाली शिफ्ट में। तो क्या हुआ है? अब जो वो एम्प्लाई था महासंघ फिर दोबारा कह रहा कि जो वो शिफ्ट को ख़त्म करो, एम्प्लाईज को बाहर भेजो। अगर एम्प्लाईज को बाहर भेजते हैं तो यहाँ पब्लिक में दिक्कत आती है काम में, तो ये मैटर है अभी यूनियन थोड़ा गलत तरीके से। मांग को कैसे माना जाएगा या क्या कुछ इसका समाधान हो गया? वैसी जो अब एक्शन साहब से इन्होंने ये मांग की थी भी, मतलब भी एक्शन साहब ने बोल दिया भी 1 महीने बाद इनको मतलब एडजस्ट कर लेंगे। अभी एक्शन साहब से बात हुई है, वो कहते हैं बैठ के इनसे बात करते हैं, देखो वहाँ भी जरूरी है। अब देखो पब्लिक का काम भी हमने करना है ना, पब्लिक को तो सर्विस चाहिए, सर्विस लेने के लिए तो पब्लिक की भी हमने, देखो शिफ्ट को तो बंद नहीं कर सकते ना हम। क्या नाम है आपका पूरा? गुरदीप सिंह। क्या पद है? SDO C1 जी।